that. जोरदार ताली बजा for keeping the humor level up to here. किसी को हंसाना बहुत impossible task है. एक press conference में किसी ने गलती से ये जुर्रत की पूछने को कि आप कैसे इतने साल से कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये D-complex की गोलियां खाते हैं. सर माइक आपका इंतजार कर रहा है. Over to you. मैं दूसरी जा रहा हूँ. कमरा बाहर होते हैं. अजी, अजी होने होने तो बाती होने. अच्छा ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों, बहादुर बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म किया है इन बच्चों ने. और ये हमारे भारत की जो आर्मी है सिपाही, उससे भी ज्यादा बहादुर बच्चे. इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां. मैं बनावली साहब का, डॉक्टर बनावली साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं. और ये बहुत ग्रेट डॉक्टर हैं, बहुत ग्रेट इंसान हैं. मैं बताना चाहूंगा बात, मैं भी ऑस्ट्रेलिया शो करने गया हुआ था तो वहाँ एक लड़का बीमार था, उसको कैंसर से पीड़ित था और उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो उसके लिए वहाँ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे. उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मेरे लिए कोई भी खिदमत हो जब मैं इंडिया जाऊँगा तो आप मुझे बोलिएगा. तो उन्होंने कहा हम बताएंगे जो भी है, मतलब कुछ भी चाहिए बोलो मेरे को. तो एक महीने के बाद में ऑस्ट्रेलिया वालों ने गिव अप कर दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे. मैंने बनावली साहब को फोन किया, बनावली साहब ने कहा उनको भेजो यहाँ. उन्होंने गिव अप कर दिया, हम ये नहीं कर पाएंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं कर पाएंगे. उसको यहाँ पर अब ट्राई करने के लिए यहाँ लेकर आया फ्लाइट से और बनावली साहब के हाथ में सौंप दिया और वो लड़का बिल्कुल सेफ है. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनकार करते और हम लोगों ने उसको जीत लिया. बहुत बड़ी बात है. थैंक्स बनाली साहब. और हर साल मुझे मौका देते हैं यहाँ पर आने का और मुझे यहाँ बुलाते हैं, उसके लिए दिल भर धन्यवाद करता हूँ. और जितने भी लोग यहाँ गेस्ट लोग आते हैं मैं उनको और हमारे ये पंजाब के लोगों इनका भी धन्यवाद करता हूँ. बाहर लोग हैं अभी आपने ये देखा. बोलना है बिल्कुल. ये लड़ाई होगी, ये लड़ाई. हमारा देश कमाल का देश है, हमारे देश में एक से एक कैरेक्टर्स है. मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ लेकिन हमारे देश जैसा देश नहीं है. हमारे देश में अलग अलग, यस, हर स्टेट में अलग अलग बोली बोलने वाले लोग हैं. यहाँ भी है, पूरे हिंदुस्तान मौजूद है. यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग सोच है हर एक की, अलग अलग खोपड़ी है, एक से एक कैरेक्टर्स है. अभी आप टाटा हॉस्पिटल देखते होंगे, ये तो कमाल का हॉस्पिटल है लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल आप देखते हो कि मैंने एक अस्पताल के अंदर से एक पेशेंट को भागते हुए देखा. हॉस्पिटल में से पेशेंट भाग रहा है, सर का ऑपरेशन थिएटर से भाग रहा है, भाग रहा है पेशेंट, उसके पीछे डॉक्टर भाग रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है डॉक्टर, पीछे आगे पेशेंट, पीछे डॉक्टर, आगे पेशेंट, पीछे डॉक्टर. अरे भाग रहे हो, पब्लिक देख रही है, तो ये क्या है, पेशेंट डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर. आखिर में पेशेंट ने निकल गया, पेशेंट हाथ से निकल गया डॉक्टर. किसी ने बोले डॉक्टर साहब क्या हो गया. नॉनसेंस, उल्लू का पट्टा, 4 बार ऐसे किया. क्या किया डॉक्टर साहब, क्या किया, 4 बार नॉनसेंस, 4 बार ऐसे किया उसने. क्या डॉक्टर साहब क्या किया. अरे दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है, बाल कटवा के जाता है. 4 बार. अब देखिए क्या रेंज हमारे, इनका रेंज देखिए, उनका रेंज देखिए, कैसे कैसे डॉक्टर, कैसे कैसे पेशेंट. यहाँ जो कॉमेडी निकलती है है ना। ये हमारे बच्चे जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, कुछ लोग तो 102 बुखार होता है तो तो 102 बुखार में पागल हो जाते हैं, बड़े बड़े राइट था 102 बुखार में बिल्कुल पागल हो जाते। डॉक्टर बोलते क्या हुआ भाई, कैसे अभी तबीयत तुम्हारी कैसी है? पहले से खराब। क्या हुआ? पहले से पूछा था। अच्छा 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 क्या था? नहीं मेरे को पी लिया था। भैया तुमने दवाई पी ली थी? नहीं दवाई नहीं ली थी। अरे भैया तुमने दवाई ली थी? आपने दी थी ना। दवाई को मुंह में रखा, आपने बोला फ्रिज में रखो। तुम्हारा खाएगा? नहीं दवाई खाऊंगा। मेरे को पागल कर देगा। तू जाए मैं फिर कभी आऊं? मेरे मरने के बाद आ जा। आपके मरने के कितने दिन बाद आऊं? ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। जब इन बच्चों को देखता हूं तो ये मुझे पागल नजर आते हैं। खैर और भी बहुत से लोग हैं, मैं आपको बताऊं। हम लोग घूमते रहते हैं, चलते फिरते कुछ जोक्स हो जाते हैं, कुछ आइटम बन जाते हैं। एक बार ट्रेन में एक सरदार जी ट्रैवल कर रहे थे, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे थे। सरदार जी के साथ प्यारा एक बच्चा भी था उनका, बच्चा साथ में था। गाड़ी स्टार्ट हुई बॉम्बे सेंट्रल से, सब लोग दुगरू करते निकले। आधे पौने घंटे बाद पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, बच्चे को देखा, बच्चे को पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। और तेरा खाना खराब बेड़ा कर, मैं तन्नू गड्डी गड्डी के थले फाड़वा बेड़ा कर, और दर फटे मुंह मार या मार। बच्चे को मार रहा। एक बहन जी बैठी थी, उनसे रहा गया। उनका पापा जी ये क्या कर रहे हैं? और बहन आप अपना काम देखिए, आप क्या आप जब करिए अपना काम कीजिए। देखिए मैं कहती हूँ बच्चे को मत मारिए आप। जी क्या करेंगे आप? मैं कहती हूँ बच्चे पे हाथ मत लगाइए आप, मत मारिए। क्या करेंगी आप? क्या करेंगे आप? क्या करूंगी? बच्चे को मारना बंद नहीं की मेरी चेन खेचूंगी, गार्ड को बुलाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी, मैं आपको परेशान करूंगी। जी क्या करेंगे आप? मैं आपको परेशान करूंगी। और मेरे को परेशान करेंगी आप? तो पुत्र इधर, मैडम मेरे को परेशान करेंगे आप? किधर से परेशान करेंगे आप? आपको पता है परेशानी क्या होती है? सुनिए, 4 दिन पहले मेरा बाप सब्जी खरीदने बाजार गया था। रास्ते में गटर का ढक्कन खुला था, उसमें घुस गया, अभी तक बाहर नहीं आया। उसको ढूंढ के मैं परेशान हुआ। क्या परेशान करेंगे आप? परेशान करेंगे आप मुझे? मेरी माँ जब सोती है तो नींद में मुंह खोल के सोती है ऐसे। आप उनकी हैबिट है, उनके मुंह में एक सांप घुस गया। मैं बीन फटाने वाले को बुला के उससे बचवा के परेशान हुआ। अंदर का सांप तो बाहर नहीं आया, 2-4 एक्स्ट्रा बाहर से आ गए, और मैं उनको पकड़ के परेशान हुआ। क्या परेशान करेंगे आप मुझे? परेशान करेंगे आप मुझे? मेरे को डायबिटीज है, अस्थमा है, अल्सर है, पथरी है। क्या परेशान करेंगे आप मुझे? परेशान करेंगे आप मुझे? और मेरे को अभी पता चला कि ट्रेन में मैं जा रहा हूँ, ये पंजाब नहीं जा रही है, मद्रास जा रही है। तो किधर के परेशान करेंगे आप मुझे? बड़ी आई बच्चे को क्यों मारो पता है? उल्लू के पठेले ने क्या किया? वो ट्रेन का टिकट खा लिया। तो क्या परेशान करेंगे आप मुझे? आपको इस बच्चे पे दया आ रही है? इसको गोद लीजिए, पता चलेगा आपको। पता है ये घड़ा के क्या बोलते मेरे को? अंकल अंकल अंकल। वो ये पड़ोस का बच्चा है, गलती से मेरे साथ आ गया। ठीक तकलीफ तो है आजू बाजू का देश कितना ऊपर जा रहा है, हमारा देश स्लो जा रहा है। क्या हुआ दादा? हमारा देश में कोई काम नहीं पड़ेगा। देश में काम करना चाहिए, देश में काम करने से काम देश आगे बढ़ेगा। चाइना कितना आगे बढ़ गया, थाईलैंड कितना आगे बढ़ गया, हमारा देश स्लो है, काम नहीं पड़ता है। क्या बात करता है, काम तो हो रहा है, क्यों काम पड़ता है? 125 करोड़ का आबादी है, इसमें कोई काम पड़ता है? कोई काम पड़ता है? नहीं दादा काम तो हो रहा है। अरे क्या बात करता है, बिलो 16 16 साल का नीचे बच्चे लोग तो पढ़ता है, वो तो काम नहीं करेगा, वो तो 30 करोड़ है निकालो। अब 58 जो लोग रिटायर्ड हो जाता है वो तो काम नहीं करेगा, वो 30 करोड़ निकालो। 60 करोड़ बचा कितना, 125 करने कितना बचा है 65 करोड़। कौन काम करता है, उसमें 20 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट है, काम करता क्या करता है। काम करने से देश आगे बढ़ेगा, कोई काम नहीं करेगा, सब गड़बड़ है। 125 करोड़ का आबादी है और 2 करोड़ तो एक्स्ट्रा है जो अनऑफिशियल है, घुस गया है, हम उसका बात नहीं करेगा। ऑफिशियली जो 125 करोड़ है उसका कौन काम करता है। 65 करोड़ में 20 करोड़ निकाल दो, 45 करोड़, इसमें कौन काम करता है। कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग मेल में है, कुछ लोग हॉस्पिटल में है, कुछ दूसरों के लिए, कौन काम करता है। बाकी 15 करोड़ भिखारी है, 7.5 करोड़ रोड पे भी पहुंचता है और 7.5 करोड़ ऑफिस खोल के बैठा है, कौन काम करता है। थोड़ा लोग है जो काम करता है, कोई काम नहीं करता है। काम करने से देश आगे बढ़ेगा, तुम सोच कर देखो, डीपली काम करना चाहिए। बोले दादा आप तो कमाल कर रहे हो यार, आप जैसा कोई सोच नहीं सकता। ये बात तो आपको मीडिया में आके बोलना चाहिए लोगों को, आप एक भारतीय हो, आपको बोलना चाहिए। नहीं हम नहीं बोले, नहीं आप नहीं, आप क्यों नहीं बोलेंगे, आप इंडियन हो, आपको बोलना चाहिए। नहीं बाबा नहीं, हम बोलेगा तो जो एक्स्ट्रा 2 करोड़ है उसको भी निकाल देगा, हमको भी निकाल देगा। क्यों, हम बांग्लादेशी है साला। लेकिन आप कलकत्ता में जाएंगे, इतनी भीड़ होती है कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में, पूरे देश में कलकत्ता में ज्यादा गर्दी होती है और वहां पर इतनी गर्दी होती है, गर्दी की वजह से कुत्ते परेशान हैं वहां पे। आप सोचो कैसे कुत्ता जो है भीड़ की वजह से अपने जो दुम है वो ऐसा हिलाते हैं, ऐसा हिलाने को जगह नहीं, इतनी गर्दी है। और ऐसी भीड़ में धक्का लगता है तो आराम से ना, तो यहाँ भी धक्का लगता है, वहां तो कितना धक्का लगता है। लेकिन बंगाली भाई जरा उद्दती होते हैं, दादागिरी वाले होते हैं, जरा आपको धक्का वक्का लगा तो बॉम्बे से आया था तो जरा वो जाता। एक बंगाली भाई को धक्का लग गया। अब देखिए हम लोग भीड़ में रहते हैं लेकिन माँ की भीड़ देखे, बंगाली भाई को धक्का लगा, बंगाली भाई भड़क गया, ए साला धक्का लगा है साला, बदमाश गुंडा साला, आंख नहीं है तुमको, धक्का लगा है साला, सॉरी सॉरी बोलता है साला, इंग्लिश में सॉरी बोलता है, धक्का लगा रहा है। अच्छा हो गया तो खड्डा नहीं है, खड्डा नहीं होता तो साला खड्डा में हमारे पेट फंस के हमारा पेट टूटा तो, अरे भाई टूटा तो नहीं, टूटा तो साला धक्का लगा ऊपर से बाहर तोड़े साला, साला हमारा पेट टूट गया, हमारे इतने में लंगड़ा हो जाता तो, अरे भाई लंगड़ा हुए तो नहीं, होता तो बात करता है ऊपर से। देखो अगर में हम मर जाता तो, अगर मरे तो मरता तो हमारा जो औरत है वो भिजो हो जाती तो, अरे भाई हुई तो नहीं, होता तो हमारे 4 बच्चा लोग है वो लोग अनाथ हो जाता तो, अरे भाई हुए तो नहीं, होता तो वाह। सामने वाला बिगड़ेगा, बोले ये तुम बेकार का जान खा रहे हो यार, ये तो मेरा धक्का तुमको लगाया नहीं, लगता तो। सर वो गाना जो आपने इसमें लिखा था